नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्तीगुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्तीगुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्तीगुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्तीगुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्तीगुल मीटर चालू
मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 32 मिलीमीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 मिलीमीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 32 मिलीमीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 मिलीमीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी
कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में यह प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में यह प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी,
बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी। ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है,
इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 32 मिलीमीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में यह प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिकी और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 मिलीमीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 32 मिलीमीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में यह प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिकी और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 मिलीमीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे
और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 32 किलोमीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 किलोमीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, 32 किलोमीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 किलोमीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं
और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद
कुमार के शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में ये प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में ये प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों,
बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में यह प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में यह प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण
कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्तीगुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्तीगुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्तीगुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्तीगुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्तिक भूषण कुमार ने, निशांत प्रीति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है।
इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में
दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66
66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में ये प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों 32 गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में ये प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 32 गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों 32 गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2028 को सॉरी
21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में ये प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों के मूवी, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में ये प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों के मूवी, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में ये प्रदर्शित की गई थी।
और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू, यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी, और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनिल मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा इन तीनों के मूवी
इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनि मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बत्ती गुल मीटर चालू मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी कब रिलीज हुई थी, इसमें लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, इस फिल्म की कमाई कितनी हुई थी, इस फिल्म की लागत कितनी थी, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पिटी थी या चली थी, और किस तरीके से यह फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हुई थी, ये भारत के कौन से भाषा की फिल्म है, इस फिल्म में मुख्य किरदारों ने कौन कौन से अहम रोल निभाए थे, और इस फिल्म में आपको कौन कौन से एक्टर देखने को मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी भाषा में। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप भी शाहिद कुमार के, शाहिद कपूर के फैंस हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बत्ती गुल मीटर चालू यह 2018 की भारतीय सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म है, जिसका निर्देशन श्री नारायण सिंह ने और निर्माण कार्य भूषण कुमार ने, निशांत पिति और कृष्ण कुमार ने किया है। यह फिल्म में बिजली विभाग द्वारा थोपे गए असामान्य बिजली बिल के बारे में बताया गया है। इस फिल्म के लीड रोल में आपको दिखेंगे शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, द्वेंदु और यामी गौतम मुख्य लीड रोल में आपको इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म की कुल लागत 49 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की कुल कारोबार जो थी वह 66.24 करोड़ यानी कि 66.24 करोड़ की थी। इस फिल्म को 21 सितंबर 2018 को सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई थी। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे खासे संगीत भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अनि मलिक की और रोचक कोहली और संचेत परंपरा, इन तीनों का म्यूजिक जो है आपको इसमें सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप
मूवी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।